नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और इस फेसबुक लाइव का होस्ट सीताराम प्रसाद पुरुनो सैनी। आज का स्पेशल प्रोग्राम में आप सबको खुले दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले बिहार के कद्दावर नेता श्री रघुनाथ झा जी को जिला परिषद 46 की जनता के तरफ से उनके श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं और उनको फूल माला चढ़ाकर भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी निर्धानगम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। प्रिय दर्शकों, तो साथियों, आज जिस राजनेता की मैं बात कर रहा हूं उनका सफर बड़ा ही रोचक सफर रहा है बिहार की राजनीति में। तो उनका जन्म 9 अगस्त 1939 को और 15 जनवरी 2018 को दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किडनी के बीमारी से दुनिया को अलविदा कहा गए। उस दिन सभी बिहारवासी ही क्यों, पूरे भारतवासी ने एक अहम नेता को, जन नायक को अपने बीच से खो दिया। तो एक बार पुनः उनको मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, उनका सफर एक मुखिया के पद से शुरू हुआ और एक एक पद पर बढ़ते हुए मुखिया, जिला परिषद, विधान सभा में विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने और उसके बाद केंद्रीय मंत्री तक का सफर रहा। लेकिन उनका सफर इतना भी आसान नहीं था दोस्तों। वो सीहोर में से लगातार 6 बार विधायक चुने गए। 1999 से लेकर 2004 तक गोपालगंज के सांसद और पुनः 2004 से 2009 के बीच राजद के टिकट पे पश्चिम चंपारण से, वाल्मीकि नगर से वो सांसद रहे। 1990 में कांग्रेस को धराशायी कर जब जनता दल अपने अस्मिता में आई, उस समय मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिन्हें गरीबों का मसीहा, गोरी के लाल और न जाने कितने तमाशे से जानते हैं, उनको टक्कर देने के लिए श्री रघुनाथ झा जी थे। ये अलग बात है कि उनको 27 विधायकों का ही समर्थन प्राप्त हुआ और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, अन्यथा उनके नाम में पूर्व मुख्यमंत्री शब्द भी आज जुड़ा हुआ मिलता। दोस्तों, जैसा मैं वादा किया हूं और किया था कि आज 16 जनवरी के दिन मैं पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों के बीच, लोगों के सामने जो झिझक होती है, क्यों झिझक होती है, कैसे झिझक होती है और कैसे झिझक को मिटा करके आपका बेटा, आप स्वयं, आपकी पत्नी, आपकी बेटी या कोई भी कैसे एक झिझक को मिटा करके किसी भी पब्लिक के सामने बोल सकता है, किसी भी सभा में बोल सकता है, किसी भी मंच पर चढ़ के बातें कर सकता है, इसके संबंध में बताने के लिए जो मेरा अनुभव है और जो मैं जानता हूं, जो आजकल मेरा ट्रेंड में चल रहा है,
कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम पर, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर, कोई पब्लिक स्पीकिंग नाम दे करके और बहुत सारे कोर्स करवा रहा है। लेकिन हकीकत बात यह है कि बीज कितना भी उन्नत क्यों ना हो, पेड़ का जो कितना भी उन्नत क्यों ना हो, यदि धरती यदि जमीन तैयार नहीं होगा तो वो बीज काम नहीं आएगा। कहने का मतलब कि जब हम खुद तैयार नहीं होंगे, आप खुद तैयार नहीं होंगे, तो कितना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लीजिए कोर्स, कितना भी इंग्लिश स्पीकिंग कर लीजिए, आपका वो लाभ नहीं पहुंचाने वाला। तो इसी बिंदु पर बात करने के लिए जो मेरा अनुभव है और जिससे मैं सफल हुआ हूं, और एक और बात बताना चाह रहा हूं कि मैं स्कूल के दिनों में तो बेधड़क बोलता था, वो भी कहानी बताऊंगा। लेकिन जब मैं इंडियन नेवी ज्वाइन किया, उसके बाद लगभग 20 वर्षों में मैं अपना ये जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, वो खो दिया था। और मुझे डर लगता था कि कहीं किसी भी जगह जाता हूं तो कहीं कोई सामने खड़ा ना कर दे मुझे बोलने के लिए, एक डर सा बना रहता था। जिस डर को मैंने दूर किया और कैसे दूर किया वो बाद में बताऊंगा। कहने का मतलब है कि आपको इसके लिए निरंतरता बरतनी पड़ेगी। जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस काम में आपका मन लगता है, उस काम में आपका निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। इसलिए अब शुरू करता हूं कि क्या करना चाहिए। तो पहला होता है आदमी के मन में डर। क्या डर? कि कहीं गलती हो तो नहीं दूंगा मैं। अरे भाई, आजकल तो एक सॉरी शब्द है जिससे किसी को धक्का मार दो सॉरी बोल दो काम चल जाता है, किसी के ऊपर कीचड़ फेंक दो सॉरी बोल दो काम चल जाता है। और तो आप एक बात कह रहे हैं तो एक सॉरी से बोल दीजिए, काम खत्म। तो ये मन में डर कि कहीं गलत ना बोला जाए, क्या बोलू, मुझे तो शर्म आती है, लोगों के बीच में कैसे बात करूं, सामने कितने लोग हैं, मेरे से कितने बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने कैसे बोलूं, इत्यादि जो हमारे मन के अंदर, दिल के अंदर एक डर सा, अदृश्य डर सा बैठा रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि अपने प्रांगण के बीच में, अपने घर के बीच में एक आदमी जब बोलने लगता है तो दूसरे की बारी नहीं देता है और लगातार बेधड़क बोलता है। क्यों? उसको डर नहीं रहता है। क्यों नहीं डर रहता है? वो अपना ही चाचा, अपना ही ताऊ, अपना ही भाई है, जो बोल रहा है बोल दो, तो वो लगातार बोलता है, बारी ही नहीं देता है किसी का। लेकिन उसी बात को बोलिए कि जो बात अभी बोला उसी बात को बोलिए किसी मंच पे खड़ा होकर, किसी सभा में, वो एक शब्द नहीं बोल पाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसके बीच मन में एक डर होता है, जो बताया हुआ। लेकिन इसी आगे भी एक और बात बताता हूं। जो एक गांव का लड़का है जो गाली देने में माहिर है, वो जो 5 मिनट में 500 गाली दे सकता है और देता है, लेकिन उसको भी आप मंच पर चढ़ा दीजिए, बोलिए कि बेटा तुम 500 गाली दे दे, 200 गाली दे दे, वो भी उसकी भी घिघी बन जाएगी और उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये डर जो है एक अलग चीज है, वो सही और गलत का नहीं है कि सही बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वहां तो सही का चुनाव करना है, लेकिन यहां तो गाली देना है, 50 गाली देना है, 100 गाली देना है, लेकिन वो भी नहीं दिया जाएगा। तो क्यों? क्योंकि एक मन के अंदर वो कमी है, डर है, भय है, वो अवरोध है जिसको हम पार नहीं पाते, और इसलिए हम मन पे खड़ा होने के बाद ही पसीना छूटने लगता है, हाथ कांपने लगता है, पैर कांपने लगता है, और जो भी रहता है सब भूल जाते हैं। तो उस डर को दूर करने के लिए हम क्या करें? डर को दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैं बोला हूं कि कोई कितना भी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स सीख ले, कितना भी मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स सीख ले, कितना भी इंग्लिश सीख ले, इसे काम नहीं चलेगा।
आपको अपने अंदर उस डर को उस भय को हटाना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा, आपके अंदर पॉजिटिव माइंड आना पड़ेगा कि नहीं मैं बोल सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ही हूं, मैं स्पेशल व्यक्ति हूं। और क्यों नहीं स्पेशल है, एकदम स्पेशल है। आप अपने माता पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए आप स्पेशल हैं। आज आप मंच पर खड़े हैं, आप एक सभा में खड़े हैं, आप तो स्पेशल हैं। जो सामने आपके भीड़ खड़ी है वो आपको सुनने के लिए खड़ी है, तो आप स्पेशल हैं। तो बोलिए यस आई एम स्पेशल, यस आई एम परफेक्ट। आपको मन के अंदर ठानना होगा, आपको मन के अंदर ठानना होगा कि जो नीचे बैठे हैं वो सब मेरे से लेवल नीचे पे है। जस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूं ताकि मन में कन्फिडेंस हो, ये नहीं कि आप अपने को सबसे ऊपर समझ लीजिए सदा के लिए। ये जस्ट कंसल्टेंस लगाने के लिए, आपका पॉजिटिविटी लाने तक के लिए सोच लीजिए कि जो भी नीचे बैठे हैं वो सब कुछ पता नहीं है, जो मैं बोलता हूं वही सही है। और इसका कारण क्या है? कारण है आप देखते होंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कितने नेतागण हजारों भाषण देते हैं और उसमें लाखों त्रुटियां पाई जाती है। इतिहास का भूगोल में बोल देते हैं, भूगोल का इतिहास से बोल देते हैं, 50 साल का जन्म उनका उम्र होगा, 70 साल पहले की कहानी वो अपने आप को शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो तो भूल कैसे पाते हैं? वो तो विधायक बोलते हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है, सोचते मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, मैं नेता हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। नीचे जो बैठा है ऐसा सुन कर चला जाएगा, आप भी वैसे ही सुनिए। बट एक बात ध्यान देना की जरूरत है कि आप ऐसा मत बनिए, आप गुड स्पीकर बनिए, अच्छा वक्ता बनिए। और अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या करना है? जब एक प्रोफेसर भी, जब एक शिक्षक भी, जब एक टीचर भी पढ़ाने जाते हैं अपने क्लास में, जो सदियों से पढ़ा रहे होते हैं, एक टीचर यदि स्कूल में पढ़ा रहा है तो 20 साल 25 साल 10 साल 5 साल 6 साल से तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा टीचर जब भी क्लास में पढ़ाने जाते हैं उससे पहले वो अपना स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं कि हमें आज कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा और उसे कैसे समझाना है, ये सब होमवर्क करके जाते हैं। तो जब आप भी मंच पे या सभा में जिस सब्जेक्ट को लेकर के आप बोलने वाले हैं उसके बारे में अध्ययन कीजिए, लिखिए। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार इतना जल्दी में मैं कैसे बोल पाऊंगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग का जब भाषण सुनेंगे वो लिखा हुआ पढ़ते हैं, लेकिन वही भाषण कहलाता है। तो आप लिखिए, संग्रह कीजिए, आप देख के बोलिए। कौन बोलता है कि आप देख के नहीं बोल सकते? बोलिए, अरे सही बात बोलिए, देख के बोलिए। पर बेटर यह है, सोना पे सुहागा उसको बोला जाएगा, कि पॉइंट दर पॉइंट आप बोलिए, जिसको आप हाथ पर लिख के रखिए, कोई कागज के टुकड़े पर लिख के रखिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस मजबूत बना रहेगा। ठीक है, अब मैं बोलते बोलते कुछ गलत बोला जाता है, सॉरी बोल दीजिए। बोलते बोलते हम अलग विषय से चले जाते हैं, अपना हाथ में जो पर्ची रखे हुए है, जो लिख के रखे हुए इधर देख लीजिए क्या जाता है, कन्फिडेंस आपको देता है। इसमें 4 पेज और 5 पेज और 6 पेज है, ये सब मैं लिख के रखा हूं, लेकिन मैं देख के नहीं बोल रहा हूं। मुझे कन्फिडेंस है कि मैं कहीं भी गड़बड़ हूंगा तो मैं पेज पलटूंगा और मुझे मालूम चल जाएगा। ये आपको कन्फिडेंस बिल्डअप करता है। आप लिख के रखिए, लिखने में कोई बुराई नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान। क्या पता आपने जिसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो लिखने से और ज्यादा जल्दी सुगम हो जाए। तो मेरा तो अभी कन्फिडेंस ऐसा है कि जब मैं लिखता हूं उसी समय मुझे दिमाग में आ जाता है, इस पॉइंट के बाद एक पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद एक पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात, जिस सब्जेक्ट पर बोलना है वो तो सब्जेक्ट का आदान प्रदान, इतिहास, भूगोल आपको खुद माइंड में सेट करना होगा और ये हो जाता है। यदि आप कॉन्फिडेंस लाना चाहे अपने आप में, तब आप
आप अपने आप को विशिष्ट माने तब, आप अपने आप को स्पेशल माने तब, यदि आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ दे तब, और साथ तब देगा जब आप कॉन्फिडेंस का साथ दे। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये आपके मन में आना चाहिए। दूसरा जो बोला कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है बाकी सब गलत है, तो उस समय के लिए जब तक आप मंच पर है, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि मन से उतरे और कल बोल दिया कि नहीं आपने तो ये शब्द गलत बोला, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं सही बोला, ऐसा नहीं है। और गलत तो बोलना ही नहीं है, जैसे राजनेता लोग बोल देते हैं उसे बोलना ही नहीं है, आपको होमवर्क करना है, आपको होमवर्क करके जाना है, मंच पर चढ़ना है, बोलने के लिए नहीं चढ़ना है। और यदि हो जाता है तो सॉरी बोल दीजिए, कौन सा आपको फांसी पर चढ़ा रहा है। तो ये वर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। दूसरी बात कि एकाएक हम कैसे बोले, बहुत अच्छी बात है, तैयारी कैसे करें, तैयारी करने की बात है। जितना भी दबूपन टाइप के लोग होते हैं, कम बोलने वाले लोग होते हैं, अब देखे हुएगा कि जब वो किसी को बुलाते भी हैं तो जोर से आवाज नहीं लगा सकते, और जब किसी को बुलाना भी होता है धीरे से बोलते हैं, मतलब उनके मन में एक ऐसा डर है कि कोई भी सुन लेगा तो क्या होगा। अपने पापा को भी बुलाना हो चाहे तो अपने दोस्त को बुलाना है, वाइफ को बुलाना है, बच्चे को बुलाना है, धीरे से बोले, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस में एक अलग सा अदृश्य डर लगा रहता है कि कहीं दूसरा कोई मेरा आवाज सुन करके मेरे को तो नहीं देगा। तो इसके लिए पहला शुरुआत है, यदि आप खूब हैं तो या तो एक बंद कमरे में जाइए और जो भी सब बोला है जोर से बोलिए, दिल खोल के बोलिए, या यदि देहात में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं तो कहीं पहाड़ी पठारी के बीच जाइए जहां कोई ना हो, ऐसा ना हो कि 10 लोग हो वहां पे चिल्लाना शुरू कर दे, लोग पागल समझेंगे। तो इसका भी ध्यान रखिए कि अच्छा बनने से पहले बुरा ना बन जाइए। तो वहां जाइए और जोर से कोई सब बोलिए, दिल से गम निकाल करके मस्त होकर, तो दिल का डर खत्म होगा। दूसरी बात है कि जब आप बंद कमरे में हैं, आपके पास यदि टेबल चेयर है उससे बैठ के मत बोलिए, आप उस पर खड़े होकर बोलिए, जो भी बोलना है, मैं सीताराम प्रसाद पूर्ण सैनिक, मेरा घर यहाँ है, मैं जिले का रहने वाला हूँ, मैं आज ये किया, मैं वो किया, जो भी आपको बोलना है एकदम ठक 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 बोलिए, जितना जल्दी बोल सकते हैं, जितना कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है बेधड़क बोलिए, लगातार बोलने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपको नहीं आ रहा है पर्ची में लिख लीजिए, उसको बोलिए, एक दिन ये हो गया, दूसरे दिन किसी पे, महात्मा गांधी पे, विवेकानंद या किसी भी शब्द को लेकर के उसको बोलिए, देख के बोलिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि जब लग रहा है कि आप अपने आप को टेबल पे खड़ा होकर, चेयर पे खड़ा होकर, या पलंग पे खड़ा होकर के, या बेड पे खड़ा होकर आप बोल पा रहे हैं बेधड़क, उसके बाद अपने परिवार के सामने खड़े होकर बोलिए, और इस प्रकार मोहल्ला में 4-5 लड़के 10 लड़के आदमी के सामने खड़े होकर बोलिए, बोलने का प्रयास कीजिए। ऐसा करते करते प्रैक्टिस में मेक्स द मैन परफेक्ट, मतलब आप जितना चीनी डालेंगे उतना ही मिठास होगी, आप जितना मेहनत करेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपका बोलने का शैली फिनिशिंग होगा और आप अच्छा वक्ता बन पाएंगे। तो ये बातें हमने बच्चों के साथ हुई, जब भी उनसे कुछ पूछना है आप खड़ा करा दीजिए, उस पे नीचे नहीं, टेबल पे, चेयर पे या बेड पे आप नीचे बैठिए और वहां से उसे होमवर्क सुनिए, या काल्पनिक निबंध विवेकानंद पे, जो भी यदि वो उनका परिचय पूछिए, और ऐसे करके आप कॉन्फिडेंस अपने बच्चों का आप अपना बढ़ा सकते हैं और बेधड़क बोल सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट पे जितना भी है
मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस के लिए मैं जब स्कूल के दिनों में था और 26 जनवरी या 15 अगस्त को जब बोलना होता था तो मैं ही रात में जाकर उस शब्द को ढूंढा करता था, इतिहास को ढूंढा करता था, उसको याद करता था। मैं तो रटा मार देता था और उसको जाकर के स्कूल में बोलता था। लेकिन वही प्रैक्टिस काम आई और बाद में हमें रटा मारने की जरूरत नहीं पड़ी। पर आज मैं किसी भी शब्द पर बोल सकता हूँ, कहीं भी बोल सकता हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ और कहीं भी बोलता हूँ। तो ये सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं अपना जो अनुभव था मैं आपके बीच प्रस्तुत किया और जो तरीका याद किया हूं और इसके बाद अलग मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं या बोल पाता हूं। इस तरीके का यदि अपनाएंगे तो आप भी एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं और आप भी आपके भी बच्चे के स्कूल कॉलेज या किसी भी फंक्शन में खड़े होकर के अच्छा से बातें कर सकते हैं। उनको मन से डर निकल सकता है और मन से डर निकालने का जो भी मैं तरीका बताया हूं आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। दोस्तों अंत में मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस तरह के टॉपिक को मैं बार बार लेकर आऊंगा। सेफ्टी सिक्योरिटी से लेकर के दिनचर्या के जीवन में जो भी जरूरत वाली चीजें होगी उसके साथ साथ मनोरंजन का जो स्वरचित होगा उसका भी आनंद आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा। इसलिए हर रोज फेसबुक लाइव रात 8 बजे जुड़ना ना भूले। और दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल सीताराम पुनम सोशल अवेयरनेस एंड एजुकेशन चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि 4000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाए। और मैं आपको इसी तरह हर रोज रात 8 बजे आपके समक्ष किसी न किसी सामाजिक मुद्दा पर आपके सामने यथावत होकर के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक मुद्दा को उठाता रहूं। दूसरा सूचना यह है कि मैं कल फेसबुक लाइव नहीं हो रहा हूं क्योंकि मेरा कुछ विभागीय परीक्षा है जिसकी तैयारी मुझे करना है, इसलिए कल मैं फेसबुक लाइव नहीं हो रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।